फाइनली गाइस हम हो चुके हैं रेडी, तीनों भाई साहिल, तुषार और मैं। तो हम तीनों हो चुके हैं रेडी और अभी जस्ट निकले हैं घर से। और है ना, अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:25 हो रही है। हमें बस लगभग कितने बजेंगे, डेढ़ या दो के आसपास टाइम लग जाएगा आज मेरी गेट की। हमें कहाँ जाना है वैसे, साहिल बता। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर शादी होती है तो दीदी को लेने जाते हैं, इसलिए मम्मी ने कहा है कि दीदी को लेके आओ, तो हम लेने जा रहे हैं दीदी को। लगभग 4-5 बाद मतलब शादी के लिए 7-8 तो लग ही जाते हैं। हाँ, उसके बाद लेने जाना पड़ता है ना, और फिर वो हाँ। और तो सर भाई क्या बोल रहे हो, करोल बाग भी चलेंगे बाइक का सामान लेने, टाइम मिला तो करोल बाग भी चलेंगे बाइक का सामान लेने। क्या क्या लेना है, शीशा ही लेने, बार एंड मिरर लेने। ओके तो गाइस आपने सुन लिया कि हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं। मैन तो दीदी को लेने जाना है और करोल बाग भी जाना हुआ तो वहाँ भी जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे भी चलेंगे। आज मेरी गेट पे ही है ना वो, चलेंगे चलो मजा आएगा फर्स्ट फ्लोर, और बताएंगे कि टेस्टी है या नहीं है। अभी हम कहाँ पे आ गए, लगभग छाता पार किया अभी हमने, तो दिल्ली पहुँचते तो हमको टाइम लगेगा काफ़ी। अभी इस ब्लॉक को अभी अगर गाड़ी में फ्यूल कम है, पहले फ्यूल भरवाते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, हाय, किद्दा, क्या हाल चाल, बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया, अभी टैंक फुल हो रहा है गाइस हमारा। तो गाइस हमारी टंकी हो चुकी है फुल और हम निकलते हैं अब सीधा दिल्ली के लिए। तो गाइस अभी साहिल का क्या है, नाश्ता करने का मैं मूड बन गया एकदम से, घर से तो खा के आया नहीं है और अब भी बोल रहा है कि पप्पू ढाबे पे रुकते हैं। अब ऐसे भूख लग रही है, तो लंबा सफर है दिल्ली का भी, ऐसा नहीं है कि बस घर से निकले और पहुंच गए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे परांठे खिलाई दें और न्यूट्रन लेना पड़ रहा है इसके चक्कर में। अब पप्पू ढाबा अभी थोड़ा सा न्यूट्रन लेके आगे आएगा। तो सर क्या खाएगा, चाय पीऊंगा। चाय, साहिल एक चाय पी लेंगे और एक पराठा आलू का। चलो हाँ, तो मतलब ब्रेकफास्ट हो जाएगा है ना। हाँ और क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेवा रेस्टोरेंट आ गया, पप्पू ढाबा आ गया। हम अब न्यूटन कहाँ से लेंगे आगे से, क्या वापस नॉर्थ रॉन्ग साइड का ना पड़ेगा, रॉन्ग साइड में। गाइस अपना आ चुका है पप्पू ढाबा, इंडिकेटर दे देता हूँ पहले। साहिल फोन पकड़ना, दो आलू पराठा और 3 चाय। सही है, और साहिल के लिए कॉफ़ी भी तो है। कॉफ़ी अभी बढ़िया नहीं है, नाराज हो रहा है साहिल, कॉफ़ी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, साहिल काम करती है ये बात, लड़का वहाँ समझता है। अभी हमने ऑर्डर तो दे दिया, ऑर्डर आने वाला है अभी।
हाँ तो सर पराठा क्यों नहीं मंगाया तूने? मैं घर से नाश्ता कर गया था अभी, तो मैंने और साहिल ने ही पराठे मंगाए, बाकी तो सर ने तो चाय मंगाई है तो नाश्ते के लिए, क्योंकि क्या है थोड़ी टाइम बाद जब तक लंच का टाइम होगा जब तक हम दिल्ली पहुँच ही जाएंगे। चलो हम पराठा खा लेते हैं उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि आगे कट नहीं है और फिर अपने सीधे हाईवे पे उस साइड में दिल्ली हाईवे पे चढ़ जाएंगे। जय हो भोले बाबा की, जय हो भोले शिव शंभू। गाइस तो आपको क्या लगता है चेतन नाम बोलने से टोल हमारा बच जाएगा? नाम चलता है तेरे भाई का, हमारा भी लगना ही था इस गाड़ी पे, नहीं है ना अब चेतन 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 नाम टोल दिया है। नाम चलता है भाई साहिल भाई का, उसने टोल तो बोल दिया था। चेतन ये बात है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, मतलब नाम चलता है हमारा यहाँ पर, ये वाला नाम हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या लग रहा है, कोई से भी टोल पर जाएंगे नाम बोल लेंगे खाली? हाँ पैसे तो बच ही रहे हमारे, 500 रुपए बच जाएंगे आने जाने के, है ना टोल के, उसके पराठे खा लेंगे। उसके पराठे खा लेंगे सही है। तो अभी हम फरीदाबाद आ चुके हैं, अब हवेली आना चालू हो गई है। हाँ हवेली आएंगे, हरियाणा चालू हो गया। हम आ चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में आते ही हम एंटर करते ही बारिश स्टार्ट हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है आप देख सकते हो। और अभी हम कौन सी जगह हैं? अभी हमें पुरानी दिल्ली के आसपास, हाँ साइड में हिमायूं टेंपल भी निकला था, है ना। तो अब हम हिमायूं के मकबरे पर हैं। हाँ हिमायूं के मकबरे पर हैं, बारिश तो काफ़ी तेज आ रही है। अगर बाहर के लोग ज्यादा ही भीग चुके हैं बेचारे, साइड में खड़े हो रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने अजमेरी गेट पर, और यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ कोई पार्किंग वाला तो दिख नहीं रहा है। एक अंकल जी आए, गाड़ी तो हमारी ऐसे पार्क हो जाएगी, इसके बाद यहाँ कोई आ जाए लड़का, गेट जान दो ना क्योंकि लग सकता है। चलो और तो गाड़ी चलाने में गर्मी लगा ना जूता। पर घंटे 20 रुपये, अच्छा 2-3 घंटा तो हमें लग जाएंगे।
चलो उठाओ फिर डब्बे उठाओ। इसके पैरों में लगी पड़ी है, देखो कैसे लंगड़ा के चल रहा है। गाड़ी हमने उधर अपनी पार्क कर दी है सामने, और चाबी भी उसी ने रख ली है हमारी। पर जा जा बीच में जा, तो गाइस हम अभी घूम रहे हैं दिल्ली की गलियों में। साहिल भाई हमारा डब्बा उठा रखा है, इसने भारी है क्या? नहीं ठीक है, हाँ ज़्यादा लगे तो मुझे दे दियो, 4 किलो दे देंगे। तो सर कहाँ है हमारा लंगड़ा था, लंगड़ा था वो आ रहा, अरे वो फोन पे बात कर रहा, लंगड़ा था लंगड़ा था। इधर है, इधर लेफ्ट, ये तो मथुरा से भी छोटी गली है, तो वो है ना फेमस। हम अभी हैं अजमेरी गेट पे, हमदर्द पार्किंग के पास, यहीं थोड़ा सा दूर, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस रोड है, उसे हम आपको बताएंगे नहीं। उसका नाम ले लो सरमारी है। हाँ उसका नाम ले लो, हमें बहुत सरमारी है, सही है, इंसान हमको गलत समझेगा उसका नाम लेने के बाद। गुरु जी हैं, चावड़ी बाजार में, और यहाँ पे हम अपने मामा जी के यहाँ पे मिलने आए, और रास्ता भटक चुके हैं, पर मामा जी मिल नहीं रहे हमको। मामा जी मिल नहीं रहे क्यों? मामा जी हमको मिल ही नहीं रहे, उनसे पूछ रहे हैं। ये तुसार भाई हमारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे पंजाब बैंक पे, ठीक है, फौरन नहीं उठा रहे थे, तुसार भाई का काट दिया था। कितनी देर में उठाया? 5 मिनट में, और यहाँ बारिश और आ रही है देखो, ये ऐसे हमारे घर से डिग गई। हाँ लगभग कगरा दिमाग में तुम्हारे, मुझे कगरा वीडियो में भेज देती, ये तो क्लाइमेक्स हो गया। आप पापा के साथ ही बैठ रहे हो, फल नहीं दे रहा हूँ, वो क्या स्टडी कर रहे हैं? ललित गोदाम अलग हुआ, ये हमारा भी स्टोरेज यही है सर, सभी गोदाम के सब गोदाम ले जा रहे हैं, मतलब होलसेलर नहीं बैठे हैं, जो मर्जी ला सकते हैं, अलग वैरायटी मांगता होगा नहीं, सब हम रखते हैं स्टॉक, रखते हैं भाई। तो गाइस हम अभी इतने का इंतजार कर रहे हैं, इस पे ना लंगड़े पे चला नहीं जा रहा, इसके पैर दे दो, इसका खड़ा दे, वो इसको बुला लो, बुला के ला जा, बुला साहिल गया रिक्शा बुलाने, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? दर्द हो रहा था, तो घर तक कोई दिक्कत, मथुरा तक गाड़ी में बैठने के बाद तो कोई दिक्कत ना है ना? कहाँ गया था? अरे बोरा फर्स्ट फ्लोर वाला, ना मतलब दो है ना, एक नकली एक असली है, हमारा भी पेट भरा हुआ, वरना इसके छोले कुलचे जरूर खाते हैं हम, पिछली बार खाए थे हमने, जिया जी के यहाँ आए थे तो उन्होंने खाना खिला दिया, अभी जस्ट खाना खा कर ही आए। तो गाइस साहिल रिक्शा लेके आ चुका है, ऐसी बात कर मई चढ़ा बड़े कौन सी गली पर कह रहे तू सर?
माता गली में मैंने पूछा, मैं बोला था उससे अंकल बीचंद सेठ गली कौन सी है मथुरा में, तो उसने बोला कि कितने बजेंगे गली में, मैंने कहा अंकल बीचंद सेठ गली जाना है, ये गली में कितने बज रहे आपकी, मैं 10 कि अब मत जाना वहां पर। उसने बोला कि मैंने तुमको इशारा दे दिया है यही समझ जाओ और नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा मैं पसीना पसीना वहां पर मैंने देख रहा है, अभी बादल में देख रहा है। हां अब ये बात सुन रहा हूं इधर लगा दे बढ़िया लगा, बढ़िया आदमी है हमारे मामा जी, खूब खातिरदारी करते हैं हमारी। कह रहा हूँ उनकी दुकान पे तो पहली बार आए हैं, दुकान पे पहली बार, घर पे तो दो तीन बार आ चुके हैं पहले। बढ़िया सब सही है, बढ़िया। हमको कौन मिला है? पार्थ गदा। बॉक्सिंग ग्लव्स मंगाने तूने? अरे ये क्या है, क्या अगर तुम लाइव नहीं आ सकते तो तुमने लाइव की वीडियो भी डाली? कौन सी डाली? तुम्हारा वो लाइव का ऑप्शन ही नहीं है, जब भी तुमने वीडियो सुना डाल दिया। लाइव का ऑप्शन है मेरे पास? मैं तो देखता नहीं है, तेरे में नहीं है ना मेरे, बोलना ही पड़ेगा। अरे क्या मिस्टर राजोरा व्लॉग ब्लॉग आ गया रे, हम ब्लॉग है क्या, ब्लॉग आ गया। देखा मैं डाल मिस्टर राजोरा व्लॉग, ब्लॉग बोलना। अरे सर ये इस पर आ जाता है तूने वीडियो कब डाली घर के? अभी अभी कुछ दिन पहले। कैसा देख रहा हूं मगरमच्छ, कुछ दिन पहले ही पता है। ए बता दो आदि मैंने देख भी ली ये वाली लाइव एक्सीडेंट वाली। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हमारा नहीं, ट्रक का हुआ था। ₹200 बहुत पूरी गर्मी काट लेगा है बाहर तो। अब टीजर ना, तो चल मथुरा में एक जोड़ी आने, तीन जोड़ी कपड़ा है मथुरा में, दादी कपड़ा आएंगे मथुरा में। घर पे का गया तेरे ब्लॉग में यूट्यूब पे कैसे डाला तूने? यूट्यूब पे ऐसे। अच्छा आगे तेरे को सीख, चल वैसे तुम्हारे जैसे नहीं। अच्छा। मैं तो कैमरे में बना लेता हूँ। अच्छा ऐसे, और ये एक वीडियो दिल्ली में जिले का झंडा लग गया, मथुरा में भी दो तीन जगह लग गए। सही है मेरा कैटली है। यहाँ तो ट्रैफिक लग रहा है। हेलो गाइस, यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिला है काफी सारा और बारिश का मौसम है, बड़ी मुश्किल से तो हम फोटो वीडियो देख कितनी जम फाइनली गाइस हम अपने एक्सप्रेस वे पर रुक गए हैं अभी, यहाँ स्टारबक्स का कैफे था तो यहाँ रुक गए हैं। तो सारा अभी ऑर्डर देने गया, फिर हम कॉफ़ी पियेंगे। अभी टाइम काफ़ी हो गया, 9:30 बजे हैं लगभग। अपनी गाड़ी खड़ी है दूर है काफ़ी, मथुरा पहुँचते पहुँचते बजेंगे हमको 11। अभी हमने बस नोएडा से स्टार्ट ही किया चढ़ना, यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ी ही है जस्ट, और ये कैब पे पड़ गया तो हम। तो फाइनली गाइस कॉफ़ी हमारी आ चुकी है, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिखवाया यहाँ पे। तो सार का तो मन है नहीं पीने का,
बर्गर खा लिया है इसने। खा लिया तुमने? ना। आ सीधे कार पर आ जा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा मथुरा के लिए। हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, बड़ी दूर खड़ी हो गई थी, पार्किंग से बड़ी दूर है, दूर तो नहीं पास में है ये रहा स्टार्ट बॉक्स। इसे अनलॉक करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी ब्लॉग देखने को मिल जाएं। और टाटा बाय बाय, सी यू।